हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर मेमोरी के मेन मेन टॉपिक्स किए थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे हमारे लिए, जो भी चीज़ें थी, सीडी रोम की हमने बात करी थी, हमने रैम रोम की बात करी थी, तो जो भी मेन कंसेप्ट और थ्योरी थी हमारे पास उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा अगेन फास्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टॉपिक कवर करने के लिए 2 दिन से ज़्यादा नहीं है। हम किसी भी टॉपिक को 2 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो जो चीज़ें आपको याद हों उन्हें एक बार रिवाइंड कर लो। मेरे पास कई बच्चों ने यह भी कहा था कि सर जो भी टॉपिक आप पढ़ाओ उससे पहले उसके बारे में बता दिया करो कि कल आप ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक रिदम में चल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में मेमोरी का टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चंस की बात। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टिपिकल एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। किसकी शॉर्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं देखते हैं। ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज हमेशा किसके लिए किया जाता है? सीडीज और डीवीडी के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज का यूज किया जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा है? रीयूजेबल। आपको पता है ना, हमने लास्ट क्लास में जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था सीडी 2 तरह की होती है। एक होती है रीड ओनली, मतलब जिनको केवल पढ़ा जा सकता है, मतलब जिसमें लिखा कुछ नहीं जा सकता। दूसरी सीडी होती हैं जिनमें लिखा भी जा सकता है और दोबारा से उनको राइट भी किया जा सकता है, रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है जिसको। तो देखिए, ये इसके बारे में पूछ रहा है। उसने क्या पूछा है? टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, सीडी नहीं होगा, सीडी रीड राइट होगा, क्योंकि उसको रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ। मतलब अगर हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को बंद कर दें उसके बाद भी कौन सा ऐसा स्टोरेज है जिसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर रहेगा। तो हमने बात करी थी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, करी थी बात। तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो कि जब हम पावर ऑफ करते हैं तो उसके बाद में वो खत्म हो जाता है उसके अंदर का डेटा। नॉन वॉलेटाइल वो होता है जिसमें अगर हम पावर ऑफ भी कर दें उसके बाद भी उसका जो डेटा होगा वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहां आंसर क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल। कौन मुझे यह बताएगा कि जब हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी तो प्राइमरी मेमोरी में ये दोनों चीजें पढ़ी थी, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? आई थिंक याद होगा आपको। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में हमने क्या पढ़ा था? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में हमने पढ़ा था रोम, अगर आपको याद होगा तो। और वॉलेटाइल मेमोरी में हमने पढ़ा था रैम, मतलब जो कुछ समय के लिए प्रोसेसेस को अपने अंदर रखता है उसके बाद उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन रोम हमेशा अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ। पावर ऑफ के बाद भी कौन रखता है अपने अंदर? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीक्वेंशियल स्टोरेज कौन सा होता है, कौन बताएगा? सीक्वेंशियल स्टोरेज वो होता है जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? पेन ड्राइव की। ये सब सीक्वेंशियल स्टोरेज में आता है, जिसको बस भी बोलते हैं, ये सीक्वेंस में चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स। जो डेटा इकट्ठा करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर उसके मींस दे अलाउड टू यूज डैश डेटा। वो क्या करते हैं? दे अलाउड टू यूज स्टोर डेटा। जो डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसी को डेटा गैदरिंग कहा जाता है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ परमानेंट मेमोरी विच हेल्प्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पास पावर ऑफ। क्या कहना चाह रहा है? वापस आई थिंक मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? क्वेश्चन वही है, परमानेंट मेमोरी। अभी हमने ऊपर कहा था, देखो परमानेंट मेमोरी थी ये, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में नॉन वॉलेटाइल जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो परमानेंट मेमोरी जो इंस्ट्रक्शंस को और हॉल्स को जो है वो स्टार्टअप के समय जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, या फिर इसको स्टार्टअप की जगह आप बूट भी लिख सकते हो, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं उस समय भी रहती हैं और पावर ऑफ करने के बाद भी रहती हैं। तो वो किस में रहती हैं? ये रोम के अंदर, क्योंकि रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और उसका पावर के ऑफ या ऑन होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें? द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी करने की जो प्रोसेस है फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया,
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से जब किसी भी सॉफ्टवेयर को हम हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपने पास में एस्केलेशन। ठीक है, क्योंकि जब भी आप हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है HDD। ठीक है, या आप हार्ड डिस्क के अंदर जब भी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेते हैं, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ना तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, ना तो हम कहीं सर्वर से डेटा मंगा रहे हैं, ना सर्वर पे डेटा डाल रहे हैं, ना उसको कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसका, ना उसको स्टोर कर रहे हैं, हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि मैनी टाइम रिफ्रेश होती है एक सेकेंड के अंदर, तो वो कौन से टाइप की है। देखो, रोम नहीं होती है रिफ्रेश, ईपी रोम तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक ही चीज है। स्टैटिक रैम जो होती है मैंने आपको बताया था, और एक डायनेमिक रैम, दो तरह की रैम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी अगर आपको याद हो तो। तो दो तरह की रैम में से कौन सी वो रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है यदि उसके डेटा को खत्म नहीं करना है, तो वो कौन सी थी, डायनेमिक। और इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक है, इसका डेटा केवल तभी उड़ेगा जब हम कंप्यूटर का पावर ऑफ कर देंगे। ये चीजें ध्यान रखने की हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं पीसी के अंदर, तो क्या बोल रहा है, इट इज स्टोर टेम्परेरी, तो कुछ समय के लिए वो कहां जाके स्टोर होता है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद वो कहां जाता है, पीसी से रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी से कैश, कैश से सीपीयू। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ब्रिज का काम करता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज बताई थी। यहां तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यूएसबी किसकी बात कर रहा है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। तो जब हम यूएसबी की बात करते हैं तो यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, कौन सी होती है यूएसबी, हमेशा सेकेंडरी होती है, प्राइमरी नहीं होती है, यूएसबी हमेशा सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है, ऑक्सिलरी भी नहीं होती है ये, प्राइमरी तो वैसे ही नहीं होती और टर्शरी कोई टाइप का होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन से तरह की होती है, सेकेंडरी टाइप की होती है, यूएसबी टाइप ऑफ स्टोरेज, जैसे पेन ड्राइव हो गई आपके पास, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, ये सब चीजें यूएसबी टाइप की स्टोरेज डिवाइस हैं। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फास्टर कॉस्टलियर और रिलेटिवली स्मॉल, मैं आपको ये एज इट इज लाइन पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में, कौन से टाइप का स्टोरेज होता है ये, स्मॉलर फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज, बताया भी था ये किसकी तरह काम करता है, ये ब्रिज की तरह काम करता है, और ये कौन है, इसको कहते हैं कैश। कौन सी मेमोरी होती है ये, कैश मेमोरी होती है, जो महंगी भी होती है, काफी तेज होती है और रिलेटिवली बहुत छोटी होती है, 3 या 4 MB की होती है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट्स टर्न ऑन, जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो कुछ परमानेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाय आइदर अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन इन, ये किसके अंदर रहते हैं, मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर या पीसी के अंदर डाल दिए जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन किसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, हमने बात करी थी रीड ओनली मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेस, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, कैश मेमोरी करती है। यहां तक आई थिंक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो कौन सी होती है, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी मेन मेमोरी होती है। इंटरनल में भी ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी कहलाती है। इंटरनल में भी दो तरीके की होती है, इंटरनल में भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स, लॉजिकल मेमोरी जो हमारे पास में होती है उसको जब ब्लॉक्स में, सेम साइज के ब्लॉक्स में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है,
तो उस कंडीशन में उन टूटे हुए पार्ट्स को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फ्रेम्स। आपने देखा होगा नेटवर्किंग के अंदर भी फ्रेम्स बनते हैं। कोई भी आपका जब आप नेट चलाते हो तो कोई भी डेटा जो है वो पैकेट की फॉर्म में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जब भी आप कोई भी नेट चलाते हो तो वो जो भी डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा जब आप वीडियो कॉलिंग करते हो नेट से तो उसके अंदर कई बार फोटो कट कट के आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि पैकेट के फॉर्म में डेटा डिलीवर होता है। तो कई बार क्या होता है, स्पीड कम होने की वजह से कुछ डेटा तो फास्ट आ जाता है और बाद का डेटा जो है वो स्लो हो जाता है। इसलिए वहां पे हमें इमेज फटी फटी या फिर बहुत स्लो आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या बनते हैं उसके फ्रेम, फ्रेम से क्या बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं। तो फ्रेम जो है हमारे पास में वो बनता है जब हम लॉजिकल मेमोरी को ब्रेक करते हैं ब्लॉक्स के अंदर। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन द पावर गोज ऑफ। जब पावर खत्म हो जाती है तब भी मेमोरी, उस मेमोरी के कंटेंट्स जो होते हैं वो नहीं खत्म होते। और तीन रैम रोम दी हुई है, रोम, ईईपी रोम और ईपी रोम तीनों सेम है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहां तक बात क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो उसने शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया आपसे, क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू आर कंप्यूटर कॉल्ड। जो परमानेंट मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होती है उसे क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है। बात समझ में आ गई, परमानेंट मेमोरी, नॉट सीडी रोम। सीडी रोम क्या होता है, एक ड्राइवर होता है जो सीडी के डेटा को दिखाने का काम करता है, ठीक है, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं। तो सीडी रोम क्या करता है, जो डेटा को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, कौन सी ऐसी जगह है, कहाँ होती है वो जगह, तो वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब आप कहोगे सर यहाँ पे रोम क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमारे ऑप्शन में रोम दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। और रोम का यहाँ पे किसकी बात की जा रही है ये भी तो ध्यान रखो, डेटा की बात की जा रही है, इंस्ट्रक्शन सेट और प्रोग्राम सेट की बात नहीं की जा रही है। वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, डेटा कभी तब खत्म नहीं होता चाहे आप कंप्यूटर को बंद भी कर दो तब भी, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, HDD। अब SSD भी आती है आजकल, लेकिन SSD जनरली हम यूज में लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद अ सीडी यू कैन, सीडी के साथ आप क्या कर सकते हो, तो सीडी के साथ आप उसे केवल रीड कर सकते हो। अब कई लोग कहेंगे सर रीड राइट वाली भी तो होती हैं, तो जो रीड राइट वाली सीडी होती है उसे सीडी नहीं बोलते, CDR/W बोला जाता है उसको। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड आर, परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर के लिए कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज किए जाते हैं। तो देखो फ्लॉपी डिस्क भी एक परमानेंट मेमोरी है, यहां से कभी भी उड़ता नहीं है डेटा। मैग्नेटिक टेप्स भी परमानेंट है, जो कि किसके अंदर यूज की जाती है, कैसेट्स वगैरह के अंदर, या फिर अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी है। इसलिए आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज अ डैश मेमोरी, रैम किस तरीके की मेमोरी है। तो रैम एक मेन मेमोरी है, पता ही है आपको, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी होती है, इंटरनल मेमोरी के अंदर दोनों कैटेगरी आ जाती हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बाहर की हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने फ्लॉपी पढ़ी थी, देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क। जब हमने फ्लॉपी डिस्क पढ़ी थी तो हमने उसका जो स्टोरेज है वो देखा था 100 KB से लेकर के कहां तक, 1.2 MB तक देखा था। लेकिन यहां बात किसकी की जा रही है, यहां बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क की। तो सुपर कंप्यूटर की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी होती है 500 M, मतलब मेगाबाइट, ठीक है, एम मतलब 500 M होती है किसी भी सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी। बात क्लियर है यहां से हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क काम करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना हमारे पास, ड्राइव ही तो होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज, किस तरह का स्टोरेज कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को, हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं किसको, हार्ड डिस्क ड्राइव को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डला हुआ डेटा कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी नहीं मिटता, मतलब परमानेंट रहता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो परमानेंट रहता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो बिल्ट इन मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी को रोम कहा जाता है। बिल्ट इन मेमोरी को क्या कहा जाता है जो पहले से ही डली हुई आती है? क्या कहा जाता है? रोम। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर ई रोम पी रोम भी तो हो सकता है, तो देखो ये उसके पार्ट्स हैं, लेकिन बेसिक चीज क्या है? रोम ही तो है, उसके बाद में आई है ना ये चीजें, तो बेसिकली रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है उसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि फ्लैश इज क्या है? फ्लैश रैम है। आपको ध्यान है हमने लास्ट क्लास में जब पेन ड्राइव पढ़ी थी तो पेन ड्राइव के बाद हमने क्या पढ़ा था? फ्लैश रैम पढ़ा था। एक ध्यान है आपको, फ्लैश मेमोरी जिसको हम कहते हैं, तो ये रैम की ही एक फॉर्म होती है जिसको फ्लैश रैम भी कहा जाता है। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन सारे वही है जो हम टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं और ये सारे आए हुए क्वेश्चन है ज्यादातर। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट रैम। देखो रैम कितने तरह की पड़ी थी हमने, देखो फ्लैश रैम अभी अभी पड़ी, डी रैम कौन सी होती है? डायनेमिक रैम। एस रैम कौन सी होती है? स्टैटिक रैम। लेकिन पी रैम किसी तरह की रैम एग्जिस्ट नहीं करती, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल स्टोरेज इज डैश स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज किस तरीके का स्टोरेज होता है? यस, इट इज अ प्राइमरी स्टोरेज। यहां तक क्लियर है? इन कंप्यूटर डिक्शनरी लेटर सीडी इज यूज्ड एज कॉम्पैक्ट डिस्क। आई थिंक मेरे को इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट, इन विच मेमोरी इज डाटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ। पावर ऑफ करने पे किसका डाटा खत्म हो जाता है? तो वो एक ही है, दैट इज रैम। ठीक है, ना डिस्क का होता है, ना सीडी का होता है, ना फ्लॉपी का होता है, केवल किसका होता है? रैम का होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सीडी इज एन डैश मेमोरी। सीडी किस तरह की मेमोरी होती है? तो सीडी एक ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब जिसको एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हमारे पास एक अलग चीज है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कुछ ऐसी डेटा स्टोरेज करने की यूनिट जहां पे हम ऑक्सिलरी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से अगर मैं बोला टेम्परेरी, एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी है। सीडी क्या है? एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी है, एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे इसको हम, ये एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी है जिसको हम कंप्यूटर से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीडी इज ए ऑक्सिलरी मेमोरी, ये ध्यान रखो, ऑक्सिलरी और सेकेंडरी सेम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। क्या टाइप ऑफ रैम नहीं है? तो देखो रैम जो है वो मेगाबाइट्स में होता है, बिल्कुल सही होता है। 64 MB का रैम होता है, बिल्कुल होता है। 32 MB का होता है, बिल्कुल। आजकल जो पीसी आ रहे हैं उनके अंदर जो मांगते हैं वो 64 MB के कंडीशंस के थ्रू मांगते हैं। 64 बिट के कंप्यूटर आते हैं हमारे पास में, ठीक है। और रैम उनकी कितनी होती है? 8 GB तक, 8 GB तक की रैम भी अब आ रही है। पहले MBs में आती थी, अब GBs में भी। लेकिन 574 यानी 574 MB की कोई भी रैम एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां तक बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं, सीडी रोम इज यूज। सीडी रोम किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सीडी रोम का इस्तेमाल टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क, बताया था मैंने आपको, सीडी को रीड करने के लिए सीडी रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय अ सीपीयू। कहां जाकर के स्टोर होता है जब सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करता है? तो डेटा कहां जाके? इंटरनल मेमोरी में जाके स्टोर होता है हमारा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? तो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। बग कुछ नहीं होता, बग क्या होता है? एरर कहलाती है। बग कंप्यूटर के अंदर एरर जो भी आती है उसको बग कहते हैं। बिट में होता नहीं है, किस में होता है? बाइट में होता है हमारे पास। ठीक है, क्यूबिक मीटर तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट, बाय फायरवॉल वी अंडरस्टैंड। अच्छा पहले तो मुझे बताओ फायरवॉल करता क्या है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी एजेंट का काम करता है जो कि कंप्यूटर में आने वाले किसी भी रॉन्ग आइटम या फिर ऐसे किसी भी जो ड्राइव हम इंस्टॉल करते हैं या कोई भी नई डिवाइस हम उससे ऐड करते हैं तो उसके खतरे को हमें इन्फॉर्म करता है या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है फायरवॉल। और ये इनिशियली बिल्ट कर दिया जाता है हमारे पीसी के अंदर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करा है, देखो फिजिकल इक्विपमेंट नहीं होता, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट कॉजेज अ कंप्यूटर टू परफॉर्म वन और मोर टास्क, ये भी गलत है। द पीपल इन्वॉल्व इन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज प्री इंस्टॉल्ड इन टू द रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम
ऑफ अ कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फायरवेल को यूज किया जाता है, और वो कब कर दिया जाता है, जब हम इनिशियली उसका मैन्युफैक्चर करते हैं डिवाइस का। बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इंस्टॉल करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये दोनों ही हैं हमारे पास में ए एंड बी। बात क्लियर समझ में आ रही है, ऑल ऑफ दीज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द वर्ड मेमोरी इज रिलेटेड टू स्टोरेज, सही है ना, मेमोरी मतलब कंप्यूटर का स्टोरेज, हमारी याददाश्त क्या है, हमारा स्टोरेज। नेक्स्ट आते हैं, द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्या आना चाहिए आंसर 37 का, दैट इज मेमोरी, अभी अभी बात करी, स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, रैम। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज मैग्नेटिक, जितने भी आपने देखा होगा, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप का यूज होता है, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप का यूज होता है, तो ये सब क्या है जिनमें मैग्नेटिक का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट कैन नॉट बी कॉल्ड चेंज और इरेज बाय द यूजर, कौन सा होता है वो, रीड ओनली, जिसको कभी भी यूजर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। यहां तक आई थिंक मेरे हिसाब से किसी को भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन, अच्छा इसका मतलब बताओ मुझे, नेचुरल का मतलब क्या होता है, स्टोर होना, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इनटू मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज, उसको किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, यस दैट इज कंसीडर्ड एज स्टोरेज। क्लियर है, सीडीज आर ऑफ विच शेप, सीडी की शेप क्या होती है, आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा बता देगा, इट इज अ राउंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शंस आर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर housed in, कहाँ पे होते हैं, जो भी हमारे पास में स्टार्टिंग होती है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन की, वो कहाँ पे होते हैं हमारे पास में, वो रोम चिप में होते हैं, क्योंकि यहीं पे सारी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होती है, तो यहीं से पूरा पीसी स्टार्ट होने की प्रोसेस दिखाता है, तो ये बात आपको समझ में अभी तक आ जानी चाहिए। वेयर इज द डेटा सेव परमानेंटली, तो परमानेंटली हमारा डेटा कहाँ पे सेव होता है, स्टोरेज के अंदर, मेमोरी में नहीं, मेमोरी रैम और रोम होती है, स्टोरेज में सेव होता है, कहाँ पे सेव होता है, स्टोरेज में सेफ होता है। नेक्स्ट आते हैं, एंड डैश यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सीडी रोम का इस्तेमाल किया, लार्ज बोल दिया ना, मतलब फ्लॉपी हट गया, कौन आ गया, सीडी रोम आ गया, जिसमें क्या होता है, लेजर टेक्नोलॉजी से, आपने देखा होगा जो सीडी ड्राइवर है, जब आप उसको खोलते होगे तो उसके अंदर नीचे की तरफ एक लेजर लगी रहती है, ठीक है, जब आप घुमाते हो तो उस लेजर टेक्नोलॉजी से आपके सीडी में ऑप्टिकल वेव्स के थ्रू क्या होता है, डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा सबको। रैम इज यूज्ड एज शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज डैश एंड डैश, रैम कैसी होती है, वॉलेटाइल, तो पहला ही ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, पहला या चौथा, और किस तरह की होती है रैम, टेम्परेरी, तो ये तो गलत ही हो गया क्योंकि परमानेंट नहीं होती है। अ सीडी रोम डिस्क डैश, सीडी रोम डिस्क के बारे में क्या बोल रहा है आपको ये, कि सीडी रोम डिस्क कैन नॉट बी इरेज और रीराइट, पहला ही सही हो गया, सीडी रोम डिस्क कैन नॉट बी इरेज और रीराइट, क्यों, क्योंकि वो कौन सी होती है, सीडी आर एंड डी, आर एंड डब्ल्यू, ठीक है, हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी सीडी आर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसके लिए हमारा, फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, How is it possible that both program and data can be stored on the floppy disk? अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क में कैसे ये पॉसिबल है कि प्रोग्राम और डेटा दोनों आ जाएं? अरे प्रोग्राम भी तो एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ही होगा ना, और डेटा भी होगा हमारे पास में, तो ये कैसे पॉसिबल होगा हमारे पास में, तो ये पॉसिबल होगा, प्रोग्राम एंड डेटा आर बोथ सॉफ्टवेयर्स, क्या है ये, सॉफ्टवेयर, एंड बोथ कैन बी स्टोर ऑन एनी, सॉफ्टवेयर किसी में भी इंस्टॉल हो सकता है, सीधी सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये प्रोग्राम और डेटा दोनों ही सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको किसी के अंदर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट बोल रहा है सेकेंडरी स्टोरेज इज, तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जो है डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर, सेकेंडरी स्टोरेज को कॉन्स्टेंट पावर की जरूरत नहीं होती। क्या आपकी हार्ड डिस्क में सेव हुई मूवी लैपटॉप बंद करने पे हट जाती है? नहीं ना, तो उसको पावर की जरूरत नहीं होती है। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा, उसको क्या कहते हैं, जहाँ प्रोग्राम और डेटा इंस्टॉल होता है उसको स्टोरेज यूनिट कहा जाता है, जहाँ पे प्रोग्राम और डाटा इंस्टॉल्ड रहता है। During processing data, program or processed information are held temporary, कुछ समय के लिए कहाँ रहते हैं? देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रैम में रहते हैं। क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग जरूर हो गया है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। A flat metallic disk that contains a large amount of permanent storage information read optically, is called as, जो optically read की जाती है उसको क्या कहते हैं, CD, जहां पे भी optically दिख जाए वहां DVD या CD में से ही एक आंसर होगा, क्योंकि ये लेजर के थ्रू रीड होती है और राइट भी होती है। बात समझ में आ रही है? Which type of memory hold only the program and data that the CPU is presently processed? जो अभी CPU process कर रहा है वो सारे programs और data कहाँ जाके save होते हैं? वो RAM में जाकर के save होते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। Presently जो चल रहे हैं वो RAM में जाकर के save होते हैं। यहाँ तक clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको यूजफुल बनाती है? तो वो है डेटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल, ये आपको समझ में आ गया होगा कि उसको हटाया नहीं जा सकता। दैट इज इट्स रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर के भी वो उसमें रहता है। यही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको यूजफुल बनाती है, जिससे आप उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड और उसके अंदर आप एक्सपी 7, विस्टा 10, 8.1 ये सब डाल पाते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क और इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज लेटर, ताकि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें, तो क्या होगा, वो स्टोर होगा। क्या होगा? वो लेटर स्टोर कर सकें, ठीक है। तो स्टोरेज होता है क्या? मैग्नेटिक डिस्क एक तरह का स्टोरेज होता है, या मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, जहां पे इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस इन द कंप्यूटर, अ प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर टेम्प्रेरी स्टोर, जहां पे कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं, लगा दो सीधे सीधे मेमोरी। यस, राइट आंसर। द रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन, जो क्या रखती है, इंफॉर्मेशन रखती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्लॉपी डिस्क। अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इंफॉर्मेशन, मॉनिटर नहीं रखता, हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड ड्राइव नहीं होती। पोर्टेबल का तो मतलब ही होता है जिसको उठा के कहीं भी ले जाओ, पोर्टेबल उसको कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, द प्राइमरी डिवाइस, कौन सी प्राइमरी डिवाइस है दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जिसको कंप्यूटर स्टोर करने के लिए काम में लेता है इन्फॉर्मेशन को, दैट इज हार्ड डिस्क, ना तो टीवी। देखो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है ऑल द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटी एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके सब में रीड और राइट की कैपेसिटी होती है? आंसर इट सीडी रोम, फ्लॉपी, फ्लैश मेमोरी में भी होती है, जिसको पेन ड्राइव भी कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी होती है। ध्यान रखना, फ्लॉपी डिस्क रीड राइट दोनों हो सकती है, हार्ड डिस्क में तो होती है आपको पता है, केवल सीडी रोम ऐसा है जिसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक और सेक्टर, में क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेट करना। हम क्या कर रहे हैं, हमारी डिस्क को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट मतलब हम उसका पार्टीशन करना चाह रहे हैं ट्रैक और सेक्टर के अंदर। आपको पता है कि किसी भी डिस्क के अंदर ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं इस तरीके से, मतलब इसके अंदर भी लाइनें होती हैं, ये ट्रैक कहलाता है, और इसके कुछ सेक्टर्स होते हैं चारों तरफ। तो ट्रैक और सेक्टर के हिसाब से ही डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, सेविंग किस तरह की प्रोसेस है? तो सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडिया।
जब हम मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं तो उसे सेव करना कहते हैं। सुना होगा ना आपने, मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा हूँ, मतलब टेम्परेरी मेमोरी, मतलब रैम में से निकाल के उसको परमानेंट मेमोरी में डाल रहा हूँ, तो उसको सेव करना कहते हैं, ताकि वो बाद में कंप्यूटर बंद करने पर भी हटाए ना, वहां से हमें दिखाई देती रहे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म डेट रेफर्स टू डेटा स्टोरेज सिस्टम्स दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर और रिट्रीव डेटा। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर और रिट्रीव डेटा, डेटा को रिट्रीव और स्टोर करने के लिए हमारे पास में क्या बोल रहा है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है। द टर्म डेस्ट रेफर टू डेटा स्टोरेज, क्या कहते हैं उसको, डेटा स्टोरेज करने के सिस्टम को, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, क्या बोला जाता है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे कह रहा है, डैश इज द मैक्सिमम, डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा डैट कैन बी स्टोर ऑन द स्टोरेज मीडिया। क्या बोलते हैं भैया, मेरे सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बताती है कि वो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, किसके अंदर केवल सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है टेप्स के अंदर, जहां पे जब तक ट्रैक घूम रहा है उसी के अकॉर्डिंग डेटा चलता है। आपने देखा सीडी में गाने को, हम आगे चल रहा है तो वो आगे ही चलता रहता है, सीक्वेंस के हिसाब से चलता है, रैंडम आप किसी भी गाने पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू सेव टू डेस्क, व्हेन यू सेव टू डैश योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि वापस रिपीटेशन है, केवल सेकेंडरी मेमोरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ सीडी रीड राइट डिस्क, समझ में आ गई, आई थिंक मेरे हिसाब से अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हम बता चुके हैं, कैन बी इरेजेबल एंड रीराइटेबल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम, कौन है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस समझता है, तो इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर ऐसी डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस जानता है, तो इसलिए हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं जब भी हम रैम और रोम को बनाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट नॉट इरेज और मॉडिफाई इट। ठीक है, लिमिटेशन है, किसके अंदर है ये लिमिटेशन, तो ये सीडी के अंदर लिमिटेशन है। ठीक है, हार्ड डिस्क में भी नहीं है, टेप में भी नहीं है और फ्लॉपी में भी नहीं है, तीनों को राइट भी किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ विच होल्ड्स डेटा ओनली टेम्परेरी एज द कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, केवल कुछ समय के लिए रखता है, उसे क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, क्योंकि इसी को नाम देते हैं हम रैम का, जो टेम्परेरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर रखता है फिर आगे पास कर देता है। इफ अ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल, अगर मेमोरी चिप वॉलेटाइल है तो क्या पूछा गया है, इट विल लॉस लॉस इट्स कंटेंट्स इफ करंटली इट टर्न ऑन टर्न ऑफ। मेमोरी चिप है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रैम को रिप्रेजेंट कर रही है, यदि हम पीसी को टर्न ऑफ कर देते हैं तो उसका सारा की सारा कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लोड, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बी यूज फॉर डेटा स्टोरेज बिल्कुल गलत हो गया, बी यूज फॉर बोथ रिटर्न राइट बिल्कुल गलत हो गया, तो ओनली सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट कैरेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वॉट कैरेक्टर, वॉट कैरेक्टर ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल, क्या है ऐसा जो रीड ओनली मेमोरी को यूजफुल बनाता है, तो एक तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, यहां पे लिखा भी हुआ और आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, तो वो क्या चीज है, दैट इज डेटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल, मिटाया नहीं जा सकता, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम या इलेक्ट्रिकल पावर, क्यों, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन को रन करने के काम में आता है, जब भी आपका पीसी ऑन होता है तो बंद करने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पड़ जाए तो फिर अगली बार पीसी ऑन ही ना हो। यहां तक बात समझ में आ गई, अब कुछ क्वेश्चंस में यहाँ छोड़ के जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे ऑप्शंस में बताएंगे, ये पांच क्वेश्चन है ये आप मुझे सॉल्व, चार क्वेश्चन है ये, चार क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके ऑप्शंस में बताएंगे, मतलब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा, बात क्लियर है।
तो यहाँ तक आज हमने टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ी स्पीड ज़्यादा मैंने इसीलिए रखी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें, और बाकी 4-5 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो नहीं आएगा मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो देखिए टाइम हमारे पास में आई नो बहुत कम है, हमें चीज़ें क्लियर करनी है, और चीज़ें क्लियर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन ही देखने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे क्वेश्चन आता हम सबको है। मैंने कई बार बच्चों को ये बोलते हुए सुना है कि सर हम प्री क्वालिफाई करके आए हैं तो इतना तो हमें आता ही होगा, ये आपका एक बेसिक लाइन है। तो मैं जानता हूँ ये आपको आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बताना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो ये कह रहे थे कि हम रिवाइज कर सकें, बिल्कुल अच्छी बात है। तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच आज का लेक्चर देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका साथ हमारे साथ बना रहे इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।